क्या आपको पता है कि लास्ट टाइम जब सारे इंसान इस धरती पे थे वो था 2 नवंबर 2000। उसके बाद टेक्निकली कभी सारे इंसान एक साथ धरती पे नहीं रहे हैं, क्योंकि साल 1998 के आसपास ना स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ था और उसके लॉन्च होने के बाद अक्सर कई लोग वहीं पे रहते हैं। मीन्स टेक्निकली द लास्ट टाइम ऑल लिविंग ह्यूमंस वेयर ऑन अर्थ टुगेदर वॉज 2 नवंबर 2000। इस डेट के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है, मतलब सारे इंसान धरती पे नहीं है, स्पेस में है टेक्निकली। फैक्ट नंबर 32, ये देखो एक ऐसा पोटैटो है जो कि हार्ट के शेप में है। जो ऐसा यूनिक टाइप का फूल और फल मिलता है ना, ये सब होने का चांसेस एक्चुअली में ना कुछ ही, मतलब 10,000 या फिर 1,00,000 में एक मिलता है ये। इसलिए ना आपको पता है, आपको कुछ भी ऐसा यूनिक मिले ना, सिंपल से सिंपल बात है, अगर आप आलू खरीदने गए या फिर कोई भी कुछ भी आप खरीदने गए हैं, उसमें कुछ ऐसा मिला आपको जो कि थोड़ा अलग हो ना, उसको काट के खा मत जाना, उसको ना प्रिजर्व करके रखना किसी एयर टाइट कंटेनर में और नियरेस्ट ऑक्शन या फिर कोई भी ऐसा जगह पर जाना म्यूजियम में जहाँ पे उसको प्रेजेंट किया जा सके। तो ऐसे ही कई लोगों का हार्ट का शेप या फिर किसी एंशिएंट किंग का शेप का चेहरा ऐसा निकल जाता है ना, तो उनको लाखों डॉलर मिल जाता है उसको बेचने से, क्योंकि ऐसे हिस्टोरिकल चीजों का ना डिमांड बहुत होता है। इसलिए आपको ऐसा मिले तो उसको खा मत जाना, उसको प्रिजर्व करके रखना, उसको बेचना और पैसे कमाना। जो आता है ना लेज, चीटोस, कुरकुरे, ये सब जो आता है उसका शेप कोई को ना बहुत यूनिक निकल जाता है, और इसी से ईबे पे उसको लिस्ट करके उस यूनिक शेप को $50,000, $1,00,000, मतलब 60-70 लाख में बेचते हैं, और लोग खरीदते भी हैं क्योंकि वो यूनिक है। इसलिए इन सब चीजों से ना प्रॉफिट जरूर कमाना। इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट बताया था कि आप अवेयर रहो और कुछ भी यूनिक मिले उसका तुरंत फायदा उठा लो। फैक्ट नंबर 31, लियोनार्डो द विंची जो थे ना, वो मोनालिसा के पेंटर, वो पहले वेडिंग प्लानर थे। वो अपना क्रिएटिविटी शादी के डेकोरेशन प्लान में यूज करते थे। इनसे हमें ये सीखने को मिलता है ना कि पास्ट में कोई इंसान कुछ भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में। अगर आप करेंटली कुछ अच्छे गोल पे काम कर रहे हो तो आपका जो प्रीवियस काम है उससे अभी को क्या मतलब है। या फिर अगर मान लो कि ये से बहुत कोई पढ़ना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लेना चाहते हैं, बट सोचते हैं मैं तो बचपन से ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ, तो ऐसे बोलने से नहीं होगा ना। मतलब ठीक है, खराब रहे हो तो अभी पॉज कर, हटाओ उसको, अब से जो होगा वो मैटर करेगा। बहुत कोई जो बस कंडक्टर होते हैं या फिर ऐसा कुछ भी ऑटो चलाते हैं और ये बाद में किसी भी ना किसी प्रकार से बहुत बड़े बिजनेसमैन या फिर सुपरस्टार बन जाते हैं। तो पास्ट से कोई लेना देना नहीं है हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के लाइफ को, है बट जस्ट थॉट के लेवल पे। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पास्ट को भुलाना मुश्किल है, बट तब भी प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर ही रखो भले पास्ट कैसा भी गया हो। फैक्ट नंबर 30, ये देखो ये एक रेसिडेंशियल टावर है, इसमें लोग रहते हैं ग्रैनविल स्ट्रीट वैंकूवर कनाडा में, और ज्यादातर बिल्डिंग जो होते हैं वो नीचे चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के आइडियाज के चलते वो पतला हो जाता है, बट ये नीचे पतला है और ऊपर चौड़ा है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 29, आसमान में रात को 5 ही ऐसे प्लैनेट है जिसको आप नेकेड आई अपने नंगे आंखों से देख सकते हो टेक्निकली। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, बाकी सबके लिए टेलीस्कोप लगेगा, चुनो। फैक्ट नंबर 28, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो दुनिया के सबसे अमेजिंग आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एग्जांपल है, वेल्यूएमीर एक्वेडक्ट। ये एक वाटर वे है जो कि ईस्टर्न नीदरलैंड्स में लोकेटेड है, और आप इसको देखो, इसका डिजाइन को ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार है ये घुस रहा है अंदर, तो ये कहां गायब हो जा रहा है, बट आपको पता ही होगा कि इसके नीचे से इस रोड को बनाया गया है, तो ऐसा लगता है कि इसमें गाड़ी जाके गायब हो जा रही है बट वो नीचे से निकल रही है। फैक्ट नंबर 27, इस इमेज को आप देखो, इस इमेज में क्या गलत है, देखो कितना मतलब सही इमेज है ना, ठीक है, बट इसको उल्टा करके देखो, मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो ये इमेज जब उल्टा हो रहा है तो तब भी कुछ गलत नहीं लग रहा है, और सीधा है तब भी कुछ गलत नहीं लग रहा है, तो इसको आप ध्यान से देखो और आप ही बताओ कि कौन सा साइड सही है भला, दोनों साइड ही सही लग रहा है। ये था ये मिस्ट्री पिक्चर। फैक्ट नंबर 26, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना उससे मतलब बहुत मस्त है। मूवीज में आपको पता है कई जो कार क्रैश के सीन्स होते हैं ना वो रियल कार से नहीं किया जाता, पता है छोटा छोटा टॉय से उसको शूट किया जाता है, और वो एक स्टेज रहता है इतना छोटा सा, इसलिए ऐसा देखने में लगेगा कि
जंप कर रहा है, उलट रहा है और वो रियल वर्ल्ड है। ऐसे ही लॉजिक का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। शटर आइलैंड मूवी, ये जो मूवी था इसमें एक असाइलम को दिखाया गया था, ठीक है। ये आप देखो, ये असाइलम को, ये तो मूवी है, ऐसा लग रहा है कितना बड़ा होगा, इसके अंदर लोग होंगे। बट पता है इसको कैसे शूट किया गया था, कैसे आप लोग को धोखा दिया जाता है? नहीं, टेक्निकली धोखा नहीं, एंटरटेनमेंट हुआ। बट तब भी देखो ये कैसे, ये है इसका बिहाइंड द सीन। मतलब इतना छोटा जो एक प्लास्टिक और थर्मोकोल का मॉडल होता है, उसके ऊपर से स्पेशल इफेक्ट डाला जाता है। अब क्या बोलूं मैं, क्या अब कुछ बोलने लायक नहीं रहा। फैक्ट नंबर 25, हम लोग कई बार बाइक्स का बात करते हैं तो सुपर बाइक्स का बात करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा अमेजिंग टाइप का डिजाइन निकल जाएगा। बट 1930 मींस इतने पहले भी एक ऐसा बाइक था ना जो आजकल के सुपर बाइक को भी फेल कर देता है। ये देखो, स्ट्रीम लाइन KJ हेडरसन मोटरसाइकिल, ये 1930 का एक मोटरसाइकिल है और इसको देख के लगता है ये 1930 नहीं बल्कि 2130 साल का लगता है। फैक्ट नंबर 24, आपको याद है एक ऐसा प्लूटो नाम का ग्रह हुआ करता था जिसको मतलब भगा दिया गया था ग्रह के लिस्ट से, उसको उपग्रह बोल दिया गया, प्लूटो, जो सोलर सिस्टम के जो ये सौर मंडल है उसके एंड में था। तो उसका आज तक कोई रियल पिक नहीं मिला था किसी को, उसका रियल पिक कोई नहीं ले पाया था। बट न्यू होराइजन नाम का एक यान वहां गया था और वहां का देखो पहला क्लियर पिक्चर इसको मिला। और जो आप ये इमेज देख रहे हो ना, ये बहुत एक महंगा फोटो आप मान सकते हो। ये है द सरफेस ऑफ प्लूटो फोटोग्राफ्ड बाय द न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है ये। फैक्ट नंबर 23, मछलियों की उम्र ज्यादा नहीं होती, ठीक है, टिपिकली 10-20-30 साल ऐसा होता है, वो भी बहुत होता है। मतलब बड़े मछलियों का कमी उम्र होता है और छोटे का कहीं ज्यादा होता है। बट हैनाको नाम की एक मछली थी और ये दुनिया की इकलौती ऐसी कोई मछली थी, कोई फिश कैटेगरी में, हैनाको नाम था इसका, जो कि 226 साल की थी जब इसका डेथ हुआ था। ये साल 1751, इतने पहले से 1977 तक जी थी। आप विकिपीडिया का ये डेटा देख सकते हो, सी वॉज रिपोर्टेडली 226 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हर डेथ, हैनाको। मछलियों की बात करें तो एक और एक एक्वेरियम फिश है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, इसका नाम था ग्रैंड डैड और ये भी लगभग 95 साल तक जिया था, 1933 से 2017 तक। फैक्ट नंबर 22, मंगल ग्रह का कभी भी खुदाई नहीं हुआ था, बट रिसेंटली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ये देखो मंगल ग्रह ऊपर से रेड दिखता है, ठीक है, मंगल ग्रह ऊपर से रेड दिखता है, बट जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो ऊपर से रेड है, बट जब उसको खोदा जाता है तब उसमें से व्हाइट पत्थर और मिनरल्स निकलते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है, शायद उनको लगता है कि मंगल ग्रह पूरा ही लाल है, बट ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 21, एक जगह एक एवरग्रीन फॉरेस्ट में, अगर एग्जैक्ट बताऊं तो US स्टेट ओरेगन में, आप जब रोड से ट्रिप करोगे ना तो आपको ना जंगल में कुछ ऐसा स्माइली देखने मिलता है। तो बहुत लोगों को लगा कि ये क्या, मतलब स्माइली कैसे, कोई क्या कोई मिस्टीरियस बात है क्या ये, बट नहीं, इसे हैम्पटन ल्यूबर ने क्रिएट किया था बहुत सारे यूनिक प्लांट को उगाकर। और एस्टिमेशन के हिसाब से ये स्माइली यहाँ पे कम से कम 30 से 50 साल तक तो रहना ही चाहिए। बाद में जब ये पेड़ हार्वेस्ट हो जाएंगे तब तो ये चला जाएगा, बट जब तक ये है तब तक अगर आप US में जाते हो किसी भी रीजन से तो ओरेगन स्टेट में ये देखना जरूर। फैक्ट नंबर 20, जो रेनबो होता है, जब रेनबो इंद्रधनुष जब उगता है, जब दिखता है आसमान में, तो टिपिकली 10-15 मिनट के लिए रहता है, उससे भी कम रहता है। बट नॉर्दर्न ताइवान में एक बार 8 घंटे और 58 मिनट्स तक, एग्जैक्ट इतने देर तक रेनबो रहा था और इसे लॉन्गेस्ट लास्टिंग रेनबो कहा जाता है। नवंबर 30, 2017 को ये हुआ था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनबो, और ये ताइवान के टैपे सिटी में हुआ था। फैक्ट नंबर 19, ये गजब सा इंसिडेंट है, जो जॉम्बी मूवी जो मैं बताया था वर्ल्ड वॉर जेड, उसमें जो मेन एक्टर थे ये ब्रैड पिट, इन्होंने एक बार एक मूवी के लिए साइन किया था इंटरव्यू विद द वैम्पायर नाम का। तो ना इसका स्क्रिप्ट उनको, मतलब मूवी को साइन करने के बाद उसके कहानी में इनको कुछ गलत लगा, इनको पसंद नहीं आया, मतलब टू ऑड था इनके लिए वो मूवी, तो उस मूवी को नहीं करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहते थे, इंटरव्यू विद वैम्पायर। लेकिन टर्म ये था कि अगर उसमें लिखा हुआ था कि अगर ये बाहर निकलते हैं किसी भी रीजन से मूवी नहीं करते, साइन करने के बाद अगर मूवी नहीं किए तो इनको $40 मिलियन
मतलब 280 करोड़ दे के ही निकल सकते हैं। ये एग्जिट क्लॉज था उस एग्रीमेंट का, तो इनको फोर्सफुली मूवी में काम करना पड़ा, मन नहीं तब भी करना पड़ा। बट आपको पता है इंटरव्यू विद द वैम्पायर ये जो मूवी था इसको 2 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, इसलिए पहले जज नहीं करना चाहिए। अगर आपके लिए कुछ कंफर्टेबल नहीं है, करियर की बात हो रही है, आपने कुछ बिजनेस करियर ये सब में अगर आपको रिस्क लग रहा है फिर भी आपको, या फिर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, फिर भी उसको ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसी का एक सिमिलर एग्जांपल है ये कहानी। फैक्ट नंबर 18, टोटल वर्ल्ड का इकोनॉमी है $88 trillion और ये है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए का है 21 trillion लगभग, और चाइना का है 14.34, आप देख सकते हो पूरे डिटेल में। और यहाँ पे इंडिया है, इंडिया भी अच्छा खासा $2.88 trillion में है। भले ही चाइना और यूएस के बराबर ना हो बट एक अच्छा खासा जगह लेता है ये वर्ल्ड इकोनॉमी में, नहीं तो बाकी कंट्रीज इससे भी बहुत छोटे छोटे हैं। फैक्ट नंबर 17, सिटी ऑफ यूट्रेस्ट, ये जो था एक पहले ना, देखो ये है इसका 3 बार किया हुआ मॉडिफिकेशन। इसको 1968 के आसपास एक वाटरवे में बनाया गया था इस जगह को, और एक्टिवली पानी गुजरता था। फिर साल 1983 में इसको ना रोड बना दिया गया, एकदम इसी जगह को, इस बिल्डिंग को नोटिस करो यही जगह है। तो फिर रोड भी उतना यूज नहीं हुआ, उतना ये नाम नहीं कमा पाया, और लोगों को उस जगह रोड पसंद नहीं आया, फिर उसी जगह को देखो फिर से वाटरवे में बदल दिया गया। ये दुनिया के सबसे वियर्ड चेंजेस में से एक था। फैक्ट नंबर 16, ये बहुत ही स्केरी फैक्ट, एक मिरर हैंड सिंड्रोम होता है। क्या है ये? इसे यूलनर डिमिलिया भी कहते हैं, और इसमें देखो हाथ कुछ ऐसा होता है, हाथ का मिरर हाथ के जैसा ही उतना फिंगर अलग से उग जाता है, और ये बहुत ही रेयर बीमारी है जो कि 100 से भी कम लोगों को हिस्ट्री में हुई है, और ये सच में एकदम बहुत ही अजीब और स्केरी डिजीज है। यूलनर डिमिलिया कहते हैं इसे, मिरर हैंड सिंड्रोम। फैक्ट नंबर 15, आपने उल्वरिन मूवी तो देखा होगा, एक्समैन वाला, ह्यूज जैकमैन वाला, तो आपको पता है उल्वरिन जो कैरेक्टर है ना उसे उल्वरिन नाम दिया गया। ये उल्वरिन होता क्या है? उल्वरिन एक्चुअली में एक जानवर का नाम है। उल्वरिन्स देखो ऐसे होते हैं, ये है रियल लाइफ के उल्वरिन जानवर, और ये इजी टू ट्रेन होते हैं, और ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं। बहुत कुछ ऐसा लगता है कि उल्वरिन जस्ट एक कैरेक्टर का नाम है, लेकिन नहीं, उल्वरिन रियल का होता है। फैक्ट नंबर 14, ग्रे पैरचेरॉन हॉर्सेस, ये देखो हॉर्सेस होते हैं, ये ना स्लोली मतलब ये जन्म लेते हैं ऐसे, बट टाइम के साथ ना ये व्हाइट होते रहते हैं। मतलब एक इंसान का होता है ना, इंसान का पहले ब्लैक बाल होता है, फिर वो बूढ़ा होके उसका व्हाइट ग्रे हो जाता है, वैसे ही ये होता है। देखो शुरुआत ऐसे होता है, फिर ऐसे, और बूढ़े एज में ये ऐसे बन जाता है। फैक्ट नंबर 13, एक चाइनीज बॉल मतलब एक कटोरी को एक इंसान ने एक गैरेज सेल होता है ना, गैरेज का जो कूड़ा निकलता है उसको बेचते हैं लोग ऑक्शन पे, तो ऐसा इंडिया में कमी होता है बट यूएस साइड में होता है। तो वहां से एक इंसान ने $3 $210 के आसपास ये जो कटोरी है इसे खरीदा था, और फिर क्या हुआ पता है? खरीदने के बाद ये पता चला कि ये 1000 साल पुराना एक बॉल है, एक कटोरी है जो कि नॉर्दर्न सैंग डायनेस्टी का है, और क्योंकि ये डायनेस्टी राजा महाराजा इससे रिलेटेड है इसलिए इसको बाद में बेचा गया $2.2 million मतलब $14 crore में। फैक्ट नंबर 12, अपने स्क्रीन पर देखो, आपने क्या कभी ऐसा मछली को देखा है? ये है एशियन शिप हेड रैसे, और इस जानवर का आप गूगल प्रोफाइल भी देख सकते हो, ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपके मन में ऐसा कभी थॉट आया है कि जो नोट और क्वाइन प्रिंट होता है उसमें अगर ऑफिशियल जहाँ पे नोट बनता है RBI द्वारा वहीं पे अगर नोट पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तब क्या होगा? ऐसा कभी हुआ है? तो ऐसा किसी देश में कभी नहीं हुआ है कि डॉलर को डुल्लर लिख देगा या फिर थाउजेंड को थाउजेंड लिख देगा, ऐसा हुआ नहीं है, बस थॉट में आता है। बट एक जगह हुआ है, चाइल जो ये जगह है ना इसमें 1.5 million 50 peso कॉइन जो है चाइल, तो जो ये लोकेशन है जहाँ बना है उसके बदले ना देखो CHILE होगा ठीक है, इसको CHIIE कर दिया गलती से और सारे में यही प्रिंट हो गया। 15 lakh कॉइन्स में चाइल को चाय प्रिंट कर दिया। फैक्ट नंबर 10, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोई उम्र नहीं होती, इसे इन्होंने प्रूव किया। ये देखो 62 year एक्स मरीन इंसान जॉर्ज हुड, इन्होंने जो प्लैंक होता है ना अपने हाथ को ऐसे करके अपने
प्लैंक करके कितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो। तो प्लैंक जनरली कितना देर तक होता है, 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, एक घंटा कोई कर लेता है जो एकदम स्पेशलिस्ट होगा। बट इन्होंने 8 घंटे 15 मिनट और 15 सेकंड तक प्लैंक होल्ड करके वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एब्डोमिनल प्लैंक का रिकॉर्ड बना दिया। फैक्ट नंबर 9, ये बहुत ही इमोशनल फैक्ट है। मलेशिया के एक जगह पे आपको एक ऐसा बोर्ड देखने मिलेगा, इस बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि उससे रिलेट करो जो मैं ह्यूमन बॉडी को ऊपर मिस्ट्री ने बनाया था कि इंसानी शरीर रियल में बहुत पावरफुल है। तो उसमें ये था कि जब किसी बच्चे पे ऐसे कार चढ़ने को आता है तब माँ में अचानक से इतना पावर आ जाता है कि वो अपने दोनों हाथ से कार को उठा के फेंक देती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट जब लाइफ डेथ का बात आता है तब पता नहीं दिमाग क्या करता है और मसल में क्या हो जाता है कि लोगों के पास कुछ सेकंड्स के लिए सुपर ह्यूमन एबिलिटी पता नहीं कहां से आ जाती है। तो इसी चीज को जानवरों में भी देखा गया है। 1894 में एक एलिफेंट पूरे ट्रेन को डिरेल कर दिया जब उसने देखा कि उसका बच्चा ट्रेन के आगे आके दबने वाला है। ऐसा बहुत कम होता है बट होता है, और इंसानों के केस में तो बहुत होता है कि जब इमरजेंसी का जब बारी आता है तो बहुत पावर आ जाती है बॉडी में ना। बहुत कोई इंसान है ना जो कभी दौड़ते नहीं है, और मोटे मोटे एकदम अल्ट्रा जो एकदम मोटे इंसान होता है वो ठीक से दौड़ नहीं पाते अपने वेट की वजह से, बट जब कोई कुत्ता उनके पीछे पड़ेगा तो वो इतने तेजी से दौड़ जाते हैं कि वो मतलब जिंदगी में कभी उतने तेजी से नहीं दौड़े। फैक्ट नंबर 8, माउंटेन गोट। कभी ना कभी आप सुने होंगे इसके बारे में, माउंटेन गोट्स होते हैं। बट पता है ये जो गोट आप देख रहे हो इसका टेक्निकली इसका जो प्रजाति होता है ना वो गोट नहीं होता है, क्योंकि ये बोविड है, प्रजाति को बिलोंग करता है, फैमिली को, जिसमें कैटल, एंटेलोप और गेजल्स आते हैं। तो वो गोट तो कहलाते हैं बट वो गोट वो बकरी के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये काइंड ऑफ एक कैटल के कैटेगरी में आते हैं। फैक्ट नंबर 7, रेनबो यूकेलिप्टस। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये दुनिया का इकलौता ऐसा पेड़ है ना जो कि रेनबो कलर का होता है, मतलब इसमें ना 7 कलर्स होते हैं। मस्त पेड़ है, दुनिया का इकलौता पेड़ जिसपे 7 कलर्स होते हैं, ऐसा कोई पेड़ नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, कॉलीफ्लावर। तो खाया होगा आप ये वाला, एक यूनिक टाइप का कॉलीफ्लावर देखो, रोमानेस्को कॉलीफ्लावर। ये ना ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होता है ना, मिस्टीरियस पैटर्न, उस पैटर्न में ये उगता है। देखो इसका थोड़ा डिटेल में देखो कैसा दिख रहा है, ये ऐसा लगता है कि ये बनाया गया है, बट नेचर कितना मस्त तरीका से ये डिजाइन दिया है इस कॉलीफ्लावर को। फैक्ट नंबर 5, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो समुद्र का जो नीचे वाला पार्ट होगा, क्योंकि वो बहुत गहरा होता है समुद्र में, वहाँ सोना भी मिला होगा पानी में, पानी में सोना घुला हुआ होगा, ऐसा फील होता है आपको? तो बात तो सही है आपका, बट मैं सर्च कर रहा था कि कितना सोना मिल जाएगा। अपना डाइविंग का सूट पहन के चला गया और वहां से मान लो 1 लीटर पानी लाया, उसमें कितना पीसेस छोटा माइक्रोस्कोपिक सोना मिलेगा, भूल जाओ, इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका 100 मिलियन मेट्रिक टन ओशन वाटर में सिर्फ 1 ग्राम सोना मिलेगा, और वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको रियल का सोना चाहिए 1 लीटर में 100 ग्राम सोना, तब आपको जाना होगा सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे, जहाँ पे एक बार कोई इंसान जाता है तो वो अगले जन्म में ही इंसान बन के आता है, यू नो व्हाट आई मीन। फैक्ट नंबर 4, पहले के जमाने में जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था ना, तब जितना कुछ था सब कंट्रोलेबल था। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक डैमेज्ड शिप, एक सबमरीन जो कि बहुत पहले का था, 1960s का, उसमें देखो ऐसा इतना कंट्रोल था, मतलब इस हर एक व्हील के पीछे एक कंट्रोल है, सब कुछ के लिए अलग अलग व्हील, ऐसा कुछ था। और आजकल के सबमरीन में व्हील कम ही होते, 1-2, बाकी सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है। ये दिखाता है टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन को। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है ना कि आसमान जो है जैसा हमें दिन में दिखता है ना पूरा व्हाइटिश, वैसा नहीं होता है। आसमान जो है ना वो सूरज का इतना भयंकर हीट और लाइट के चलते पूरा व्हाइट दिखता है हमें, मतलब ब्लू दिखता है हमें, ठीक है। बट अगर इस ब्लूनेस और सूरज के लाइट को हटा दें, सूरज जितना है उतना ही रखें, मतलब सूरज इतना गोल है उस गोल को ही जलाएं, उसका लाइट को नहीं दिखाएं और आसमान को ब्लू को डिलीट कर दे अगर, तो ना देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तब हम लोग को ऐसे सूरज दिखता थोड़ा सा उसी का पार्ट,
बाकी तारे दिखते हैं। ये कंसेप्ट पिक्चर है कि अगर सूरज का लाइट पूरे आसमान को नहीं भर देता तो ऐसा मतलब होगा तो नहीं ऑफ कोर्स, बट हम लोग मान लेते हैं फन के लिए, तब आसमान कुछ ऐसा दिखता जो कि बिल्कुल अमेजिंग है। फैक्ट नंबर टू, आपको पता है मूवी या टीवी शो बनाते हैं ना, उसमें दो टाइप के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं। पहला जिनको पैसे कमाना होता है, पैसे का मोटिव से फिल्म और मूवीज बनाते हैं। दूसरा जिनको उस यूनिवर्स को फील कराना होता है ऑडियंस को, मतलब रियलिस्टिक फील कराना होता है उस मूवी के थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे मूवीज के सीरीज है ना जिसका नेक्स्ट पार्ट बनाया जा सकता है पैसे के लिए, उसके नाम से नाम कमाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर, उसका जितना इंस्टॉलमेंट निकला है आज तक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इतना सारा, उतना ही बना। उसके बाद वो बना सकते थे और हैरी पॉटर नाम से ही अभी बहुत पैसा बन जाएगा उनका, बट क्योंकि उस यूनिवर्स में उतना ही काफी था और वो रियल फील हो, इसलिए डायरेक्टर्स ने नहीं बनवाया उसका सीक्वेल, क्योंकि वही फुलफिल है। और एक सीरीज है ब्रेकिंग बैड नाम का, जो कि वर्ल्ड का टॉप रेटेड टीवी सीरीज है। उसका क्या हुआ कि 75 मिलियन डॉलर्स का एक प्रोड्यूसर ने ऑफर दिया कि उस सीरीज का और 3 एपिसोड बनाओ। 75 मिलियन डॉलर्स मतलब करीब 500 करोड़ दिया जाने का ऑफर मिला। तुम लोग नेक्स्ट बनाओ तो कमाते ना प्रॉफिट नाम से, बट डायरेक्टर्स बोले नहीं, हम लोगों ने उसका एंड कर चुका है, फालतू का इसका नया सीजन नया ये लाके इसको उसका जो एक ऑथेंटिसिटी है उसको चौपट नहीं करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये होते हैं रियल डायरेक्टर्स। फैक्ट नंबर वन, आप बताओ कि इन दोनों लाइंस में से कौन सा लाइन ज्यादा लंबा है? 5 सेकंड दूंगा मैं। 1, 2, 3, 4, 5। ऑफकोर्स ये लंबा है और यही ट्रू भी है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। किस लॉजिक से भाई, आप पूछोगे मेरे से? लॉजिक ये है कि कॉन्फॉर्मिटी नाम की एक चीज होती है। कॉन्फॉर्मिटी मतलब जो बहुत सारे इंसान बोलते हैं उसी को मान लेना। जैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि 3 पार्टिसिपेंट फेक होते हैं और एक रियल होता है। जैसे मान लो उन लोगों को बैठाया गया और पूछा गया चारों से कि कौन सा लाइन बड़ा है, और फर्स्ट राउंड में सबने रियल आंसर किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा सब, कि ये बड़ा है, ट्रू। अब सेकंड बार में कुछ और डिजाइन का दिखा के पूछा गया कि कौन बड़ा है, इस बार भी रियल आंसर दिया और चारों का आंसर मैच करेगा ऑफ कोर्स। लेकिन तीसरी बार जो तीनों मिले हुए लोग थे वो जानबूझकर झूठ बोले कि चौथा भी बोलता है कि नहीं, कॉन्फर्मिटी काम करता है या नहीं, तो वो चौथा भी बोल देता है ये सोच के कि हम लोग तब से सही आंसर बोल रहे हैं, और क्योंकि इस बार ये तीनों यही बोले तो मैं भी यही बोल देता हूँ, ये तो सही होंगे, इसको कहते हैं कॉन्फर्मिटी। ऐसा होता है ना कि हम लोग दोस्त ग्रुप में खड़े रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं और कोई एक जन जोक सुनाता है तो सब कोई हंसने लगता है और आपको समझ नहीं आता है, फिर भी क्योंकि वो लोग हंस रहे आप भी करके हंस देते हो, मतलब समझ आया नहीं बस हंस दो, क्योंकि बाकी हंस रहे हैं उसके चलते आप भी हंस रहे हो, ये कॉन्फॉर्मिटी होता है। तो यही था कॉन्फॉर्मिटी का साइंस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे दूसरे लोग के चलते एक इंसान इफेक्ट होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और शेयर भी जरूर कर देना, और मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर करना, लिंक नीचे है, वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।